नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस पे लाते रहते हैं रोज़ रोज़ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां, रिजल्ट, एडमिट कार्ड्स एंड बहुत सारे अदर नोटिफिकेशन। दोस्तों, आप में से कई लोग अभी तक SSC MTS की एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए होंगे। उन्हें ये पता नहीं होगा कि SSC MTS की एग्ज़ाम कब से होने वाली है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यही सब टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, SSC MTS की एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 16 अप्रैल 2017 से, यानी इसी मंथ से शुरू होने वाले हैं और ये ख़त्म होगी जुलाई तक। ये जुलाई के महीने तक SSC MTS की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी और ये लगभग 4-5 चरणों में होगी। तो अगर आपने अभी तक SSC MTS की एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है या SSC MTS की में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आपको पता नहीं है, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, आप इसे कैसे पता कर सकते हैं। तो इसे पता करने के लिए मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां पे सिंपल क्लिक करें और तो आप चले जाएंगे एक वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे SSC MTS के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी होंगी और एक टेबल में SSC MTS के एडमिट कार्ड, उसके बहुत सारे नोटिफिकेशंस और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में लिखा हुआ होगा और आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इस सेंट्रल रीजन से हैं तो आप SSCR के सामने लिखे क्लिक या टैब पे क्लिक करेंगे और आपको एक पेज खुलेगा जिसमें आपसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। आप वहाँ से आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसी तरह से नीचे से ही आप अपने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद।